तेरा सच्चा सौदा प्रमुख की पैरोल अर्जी पर प्रशासनिक पेच अभी भी फंसा है। पैरोल पर फैसला रिपोर्ट के बाद होना है और रिपोर्ट अभी आनी है, पर रिपोर्ट से पहले ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि डेरा प्रमुख किसान है या नहीं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की पैरोल अर्जी पर प्रशासनिक पेच अभी फंसा हुआ है, लेकिन जिसके लिए राम रहीम ने पैरोल की मांग की है उस पर अब बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि डेरा प्रमुख किसान है या नहीं। डेरा प्रमुख पहले अपनी बेटी अमरप्रीत कौर के अलावा डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट की जमीन पर खेतीबाड़ी करता था। डेरा प्रमुख की बेटी अमरप्रीत कौर के नाम गांव नेजिया खेड़ा के कृषि रकबे में जमीन है। खेवर नंबर 124 और जमाबंदी 239 में आने वाली जमीन का काश्तकार डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम को दिखाया गया है। अमरप्रीत कौर के नाम शाहपुर बेगू में, इसके अलावा खेवर नंबर 122 और 123 तथा 185 के अंतर्गत भी जमीन है, जिसमें अमरप्रीत एवं डेरा चीफ की दूसरी बेटी चरणप्रीत को काश्तकार दिखाया गया। दरअसल डेरा प्रमुख को साध्वी यौन शोषण प्रकरण में सीबीआई कोर्ट की ओर से 25 अगस्त 2017 को दोषी करार दिया गया था। तभी से डेरा प्रमुख रोहतक की सुनरिया जेल में बंद है। अब डेरा प्रमुख ने 42 दिन की पैरोल की अर्जी लगाई है। डेरा प्रमुख ने खेतीबाड़ी करने के लिए पैरोल की अपील की है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जेल जाने से पहले डेरा प्रमुख काश्तकार रहा है और गांव शाहपुर बेकू के खेवट नंबर 860, 862, 863, 922, 263, 255, 251, 271 एवं 272 की जमीन डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट के नाम है और इसका काश्तकार डेरा प्रमुख को दिखाया गया है। हालांकि गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद साल 2017-18 और साल 2018-19 की जमाबंदी में डेरा प्रमुख काश्तकार नहीं दिखाया गया। गौरतलब है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार डेरा के पास सिरसा जिला में करीब 948 एकड़ जमीन है। इनमें से करीब 750 एकड़ जमीन डेरा मुख्यालय में है और 260 एकड़ पर डेरा सच्चा सौदा में खेती होती है। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा।